स्वामी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन ने और अधिक जोर पकड़ा। याद रखना, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मेरे विद्यालय परिवार के किसी भी एक व्यक्ति का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आनंद राजपूत है और आपने देखना शुरू कर दिया है स्वामी ब्रह्मानंद शो। पिछले भाग में हम लोगों ने बात किया था कि किस प्रकार से शिक्षा संस्थान की स्थापना हो चुकी थी। आज के इस भाग में मुख्य रूप से हम चर्चाएं करेंगे कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज किस प्रकार से अपने शिक्षकों की रक्षा करते थे और किस प्रकार से शिक्षा एवं शिक्षकों के सम्मान में जरा से भी चूक वो कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। स्वामी जी के संन्यास लेने के उपरांत अपने परिवार से किसी भी तरीके का संपर्क उन्होंने नहीं रखा और ना ही अपने रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार का लगाव उनके स्वभाव में कभी देखा गया। हाँ, अगर कोई लगाव उनके हृदय में रहा तो वह सिर्फ अपने शिक्षा संस्थान के प्रति, वहां काम करने वाले लोगों के प्रति रहा। उनके संरक्षण में इस शिक्षा संस्थान का वातावरण एक बृहद परिवार जैसा रहा। कई पीढ़ियां एक साथ अपने अपने कार्यों में यहाँ पर लगी हुई थी। स्वामी जी इस परिवार के मुखिया संरक्षक पितामह थे। उनके संरक्षण में इस परिवार का मनोबल सदैव ऊंचा रहा और कभी किसी कर्मचारी ने अपने आप को मात्र वेतन भोगी नहीं समझा। शिक्षकों के सम्मान के प्रति स्वामी जी की तरह जागरूक संरक्षक तो दुर्लभ ही है। इस संबंध में एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सन 1946 से 47 के सत्र की बात है। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, वस्त्रादि पर कंट्रोल था, अध्यापकों को धोतियों की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति का प्रयास करने के लिए शिक्षा संस्थान के वरिष्ठ अध्यापक पंडित श्री श्याम सुंदर बादल तत्कालीन तहसीलदार के यहाँ आवेदन लेकर पहुँचे। यूं तो प्रायः लोगों के अधिकार की कुर्सी का नशा ही बहुत होता है, फिर वह तहसीलदार तो सुरा का भी सेवन करता था। जो लोग सुरा नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं, आज के समय में जो बियर चलती है कुछ उसी प्रकार का मदिरापान होता था। दोहरे नशे की उन्मत्तता में वह बादल जी के प्रति कुछ अत्यंत अपमानजनक शब्द कह बैठा। इस घटना से सारे विद्यालय में रोष व्याप्त हो गया। अपने गुरु का अपमान देख छात्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। छात्रों ने तहसीलदार का आदमकद पुतला बनाया। जुलूस में रास्ते भर उस पुतले की जूतों चप्पलों से खूब पिटाई की और तहसील के ठीक मुख्य द्वार के सामने जाकर उस पुतले का दाह संस्कार कर दिया। मानो शिष्यों ने अपने गुरु के अपमान का बदला चुका लिया था। परंतु इस घटना की जानकारी जब शासन के मुख्यालय पहुंची तो प्रदेश का शासन तिलमिला उठा। जिलाधिकारी ने राठ आकर तरह तरह की धमकियां दी। इस पर जिले के एक गणमान्य कांग्रेसी नेता ने यह हल खोजा कि बादल जी अपने कुछ छात्रों के साथ लिखित रूप से जिलाधिकारी के समक्ष माफी मांग ले तो सब काम बन जाएगा। आखिर जरा सी बात के लिए शासन का कोपभाजन क्यों करना। परंतु यह प्रस्ताव जब स्वामी जी के समक्ष पहुंचा तो वह क्रोध से तमतमा उठे और बोले, खबरदार, यदि किसी ने उनके सम्मुख ऐसी चर्चा फिर से की तो मेरे विद्यालय का अध्यापक और एक सदाचार व्यक्ति जो कि विद्वान है, इस मामले में माफी कदापि नहीं मांगेगा। कलेक्टर को जो कुछ करना हो करे, मैं सब देख लूंगा। याद रखना, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरे विद्यालय परिवार के किसी भी एक व्यक्ति का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। स्वामी जी की दृढ़ता और नैतिक तेज देखकर जिलाधिकारी जी को झुकना पड़ा। उसने मामले को किसी प्रकार रफा दफा करने में ही समझदारी समझी। स्वामी जी के जीवन काल का यदि आकलन किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका संन्यास पलायनवादी और प्रतिक्रियावादी नहीं बल्कि प्रत्युत कर्मठता एवं प्रगतिशीलता के क्रियाकलापों से परिपूर्ण रहा। किसी एकांत गुफा में बैठकर उन्होंने निजी मुक्ति की साधना नहीं की, वे तो समाज के संघर्षपूर्ण कर्म क्षेत्र में
एक योद्धा की भांति तपस्या करते रहे। स्वाधीनता आंदोलनों में बराबर जुड़े रहने के कारण अंग्रेजी शासन काल में वह कई बार जेल गए। देश के आजाद होने के बाद भी वह चैन से नहीं बैठे और विभिन्न चुनौतियों से जूझने के लिए बराबर कमर कसे रहे। 1947 में देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, परंतु अब भी कुछ राजा ऐसे थे जो जनता को मुक्त नहीं करना चाहते थे, कुछ राजा ऐसे थे जो रजवाड़े नहीं त्यागना चाहते थे। इसके लिए रजवाड़ों से मुक्ति आंदोलन भी चलाया गया। 15 अगस्त 1947 को देश स्वाधीन हुआ। विदेशी सत्ता की गुलामी से तो जनता मुक्त हो गई, परंतु देशी रियासतों के राजा अभी भी हथियार डालने को तैयार नहीं थे। जिला हमीरपुर में चरखारी नाम की रियासत थी, क्योंकि सन 1995 में जिला हमीरपुर से जिला महुआ को अलग कर दिया गया था, इसीलिए अब ये रियासत चरखारी जिला महुआ में आती है। उस समय एक ही था जिला, हमीरपुर और महुआ साथ साथ ही थे, इसीलिए जनपद हमीरपुर में कहा गया है। अखिल भारतीय प्रजा परिषद की ओर से हर रियासत में आंदोलन चलाया गया। स्वामी ब्रह्मानंद जी के नेतृत्व में चरखारी नरेश को सत्ता हस्तांतरित करने का नोटिस दिया गया, परंतु सत्ता के नशे में चूर राजा पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। तब स्वामी जी ने इस रियासत में सत्याग्रह अभियान चलाया। पुकार नामक साप्ताहिक पत्र के यशस्वी संपादक परमेश्वरी दयाल जी इस समय स्वामी जी के प्रमुख सहयोगी थे। चरखारी रियासत को 5 मील के घेरे में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के नेतृत्व में सभी सत्याग्रहियों ने घेर लिया था। रियासत की ओर से आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई गईं। स्वामी जी सहित कई लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन में स्वामी जी ने राजा के ड्योढ़ी के समीप वाले मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेजों ने तो मुश्किल से 150 वर्ष तक शासन किया है, परंतु यह राजा हजारों सालों से देश की निरीह जनता का शोषण करते आ रहे हैं। जहर चाहे विदेशी हो या देसी, दोनों ही घातक है। रियासतों की जनता मुक्त होकर रहेगी यदि देश के राजाओं ने एकता और अखंडता के लिए अपने आप को प्रजातंत्र में नहीं मिलाया तो कान खोल कर सुन लें। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को बाल खींच कर पछाड़ा था, ठीक उसी प्रकार इन देश द्रोही राजाओं की भी दुर्गति होगी। स्वामी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन ने और अधिक जोर पकड़ा। महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अवसर पर योगदान किया। तथा राजा को झुकना पड़ा और उसने शासन जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दिया। चरखारी में उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज वहाँ की राजनीति से बिल्कुल अलग हो गए और निर्लिप्त भाव से विद्यालय की सेवा में एक बार फिर से जुट गई। उक्त आंदोलन के समय ब्रह्मानंद विद्यालय के कुछ छात्र भी चरखारी पहुंचे थे और उन्होंने आंदोलन में सहयोग करने की इच्छा प्रकट की। इस पर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, नहीं बेटा, तुम लोग अभी पढ़ाई करो, अभी विद्याध्ययन ही तुम्हारा सबसे बड़ा काम है, यहाँ के लिए तो हम ही लोग काफी हैं। इस प्रसंग से पता चलता है कि आंदोलनों में विद्यार्थियों की भूमिका और उनके भविष्य को लेकर स्वामी जी के विचार कितने सुलझे हुए थे। अदौरा रियासत में आंदोलन के दौरान वहां की बेगम के आदेश के अनुसार सत्याग्रहियों पर बर्बर अत्याचार हुए। स्वामी जी ने उस समय अत्यंत उग्र होकर उस बर्बरता का घोर विरोध किया और आंदोलन को बल प्रदान किया। हैदराबाद के प्रसिद्ध सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए आपने पैदल ही हैदराबाद पहुंचने का निर्णय किया, परंतु आपके हैदराबाद में प्रवेश करने के पहले ही आंदोलन समाप्त हो चुका था, इसीलिए आप वहीं से वापस चले आए। स्वामी जी समाजवादी विचारों के प्रबल समर्थक रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के कारण उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर जनपद हमीरपुर में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। सन 1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन में स्वामी जी के प्रमुख सहयोगी बाबू स्वामी प्रसाद सिंह तथा पंडित उदित नारायण जी हमीरपुर जिले से क्रमशः विधायक एवं सांसद पद के लिए समाजवादी पार्टी से ही खड़े हुए थे।
आगे चलकर जब कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत रूप में समाजवादी विचारधारा को अपना लिया, तब स्वामी जी ने पुनः कांग्रेस पार्टी में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज भ्रष्टाचार के घोर विरोधी थे। अपनी बात को रखने में वह कभी भी पीछे नहीं हटे और निडरता से हमेशा अपनी बातें सबके समक्ष रखते रहे। आगे की चर्चाएं हम अगले भाग में करेंगे। आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है आनंद राजपूत, आप मेरे साथ देख रहे थे स्वामी ब्रह्मानंद शो। नमस्कार।